हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे जो सोरिक मियाज़म है, सोरा, उसको आप सबसे डिस्कस करूँगी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अपनी जो कैंट है और एच ए रॉबर्ट्स है और जो डजन है, इन सबसे एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है हर मियाज़म की। तो आज मैं आपको सोरिक मियाज़म के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये जानना है कि मियाज़म क्या होता है, व्हाट इज़ मियाज़म, तो अगर आपको ये जानना है तो उस पर एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही शॉर्ट सिंप्लीफाइड वे में बता रखा है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपसे सोरा को डिस्कस करूँगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोरा में होता क्या है, सबको पता है ये बात कि सोरा इंडिकेट्स अ फंक्शनल डिस्टरबेंस। जितने भी फंक्शनल डिस्टरबेंसेस हैं वो सोरा मियाज़म की वजह से आते हैं। तो फंक्शनल डिस्टरबेंसेस पूरी बॉडी में कहीं भी हो रहे हैं, जहाँ पे कहीं भी कोई पैथोलॉजी क्रिएट नहीं हुई है अभी तक, सिर्फ फंक्शन थोड़ा सा ख़राब हुआ है, उसके बाद जो है दिक्कत आ रही है, तो वो है सोरिक मियाज़म। अगर पैथोलॉजी कहीं पर भी आ जाती है तो वो सोरा नहीं रह जाता। पैथोलॉजी हो सकती है कि ओवरग्रोथ की हो या फिर डिस्ट्रक्शन की हो। अगर वो ओवरग्रोथ की पैथोलॉजी होती है तो इट इज़ फॉर द साइकोटिक मियाज़म, और अगर वो डिस्ट्रक्शन की पैथोलॉजी है तो इट इज़ फॉर द सिफिलिटिक मियाज़म। तो जितने भी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेज हैं वो सारे सोरा कवर कर लेता है। उसके बाद वन हु फियर्स डेथ बट लिव लॉन्ग फॉर ईयर्स, यानी कि किसी इंसान को मरने से तो डर लगता है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक जीता है। कई लोग ऐसे होते हैं, हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि वो डरते बहुत हैं मरने से, लेकिन वही हैं जो सबसे ज़्यादा जीते हैं। तो वन हु फियर्स डेथ बट लिव लॉन्ग फॉर ईयर्स, तो ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल भी पूछा गया है कि ये कौन सा मियाज़म कवर करता है, तो दैट इज़ फॉर द सोरिक मियाज़म। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है सोरिक मियाज़म की, ओवर सेंसिटिवनेस। जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिवनेस टू ऑल द एक्सटर्नल स्ट्यूमुलाई। हो सकता है नॉइज़ हो, लाइट हो, टच हो, जितने भी सेंसेस हैं वो सारे ओवर सेंसिटिव हैं। ओवर सेंसिटिवनेस टू हियरिंग, टू टच, टू नॉइज़, टू लाइट, सब तरीके से ओवर सेंसिटिव पेशेंट होता है सोरिक मियाज़म का। नेक्स्ट है पेन दैट इज़ एमलाइरेटेड बाय वॉर्म्थ। तो जितने भी इसकी सारी कंप्लेंट्स हैं, सारी कंप्लेंट्स में इसको गर्म से आराम मिलता है और एग्रावेशन हो जाता है कोल्ड से। तो अगर कोई सी भी कंप्लेंट हो और उसमें एग्रावेशन कोल्ड से हो रहा हो, एमलाइरेशन वॉर्म्थ से हो रहा हो, दैट इज़ फॉर द सोरिक मियाज़म। सोरा के जो स्किन कंप्लेंट्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखें जो एंटी सोरिक मेडिसिन है वो है सल्फ़र। मतलब जब हम देखते हैं टॉप ग्रेड मेडिसिन एंटी मियाज़मेटिक, तो उसमें जो एंटी सोरिक मेडिसिन है वो आती है सल्फ़र। तो सल्फ़र के सिम्टम्स अगर हम उठाकर देखेंगे तो ये लगभग सोरा के सिम्टम्स को सारा इसने कवर कर लिया, इसीलिए ये एंटी सोरिक बन गई। तो सल्फ़र इज़ गिवन फॉर द स्किन कंप्लेंट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और मरीज़ क्या करेगा, इतनी इचिंग हो रही है उसको तो वो स्क्रैच कर लेगा, और उसको स्क्रैच करने के बाद क्या होता है, बर्निंग हो जाती है। तो इचिंग दैट इज़ बा आफ्टर देयर इज़ स्क्रैचिंग, उसके बाद बर्निंग हो जाती है। तो ये जो है ये सल्फ़र कवर करता है। मरीज़ को खुजली मची, उसके बाद उसने स्क्रैच कर लिया और उसके बाद उसको जलन मचने लग गई। तो जब हम सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र में भी यही है कि सल्फ़र का मरीज़ क्या होता है कि उसमें स्किन कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है। एक तो बॉयल्स कंडीशन है, एक फुंसी हुई उसके बाद दूसरी हो गई, वो ठीक नहीं हुई उसके बाद दूसरी हो गई। तो एक तो बॉयल्स को कवर कर लेती है वो, दूसरा इचिंग को कवर कर लेती है, और तीसरा सल्फ़र वहाँ पर इंडिकेटेड होती है जहाँ पर पहले से कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा रखी हो मरीज़ ने। तो व्हेन द एक्सटर्नल ऑइंटमेंट आर अप्लाइड ओवर द स्किन, तो वहाँ पे सप्रेशन हो गया,
तो उस समय सल्फर दी जाती है ताकि वो जो सप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। और जो सोरा है दैट इज़ ड्राइवन इनवर्ड, उसको बाहर निकाल सकें। तो अब हम देखें सल्फर का मरीज़ जो है वो पैर, क्या होता है उसके बहुत पैर जलते हैं तो वो पैर बाहर निकाल कर सोता है, तो हैंड एंड फीट बर्न। तो सल्फर में हम देखें कि हाथ पैर जो है वो गर्म ही रहते हैं और जलते हैं, ऐसे लगता है आग निकल रही है, इसीलिए सल्फर का मरीज़ जो है वो पैर बाहर निकाल के सोता है बेडशीट से। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द सोरिक मियाज़म इज़ इट्स एपिटाइट। इसका जो मरीज़ है वो हमेशा भूखा रहता है, हमेशा इसको भूख लगती रहती है और खाने के बाद ही इसको आराम मिलता है। ऑलवेज हंग्री एमलाइरेटेड आफ्टर ईटिंग, यानी कि इसको इतनी भूख लगती है कि इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए खाने के लिए, और अगर इसका पेट भरा हुआ है तो भी इसको खाने के लिए चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो ऑलवेज हंग्री दैट इज़ एमलाइरेटेड आफ्टर ईटिंग एंड देयर इज़ लॉन्जिंग फॉर मैनी थिंग्स, हंग्री इवन विद फुल स्टमक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि इसके मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हमने अपनी जो लाइफ है उसमें भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि अगर हम उनसे पूछते हैं कि भूख कैसी लगती है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर एपेटाइट, तो कई मरीज़ ऐसे बोलते हैं कि भूख तो पूछो ही मत, बहुत भयंकर ही लगती है ना, और खाने के बाद आराम मिल जाता है या फिर पेट भरा हुआ तो भी मेरे को चाहिए खाने को कुछ। तो दैट इज़ अ सोरिक मियाज़म। ओके, ये ऐसे मरीज़ होते हैं दैट आर हंग्री एट नाइट, रात को उठ के भी खाना खा लेंगे है ना, रात को भी कुछ खाने को चाहिए, दे आर हंग्री एट नाइट ऑल्सो। तो ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हम ये देखें कि कोई मरीज़ इतना खा रहा है उसके बाद भी उसको पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी बॉडी को तो मिल ही नहीं रहा। जब हम देखते हैं कि कोई भी एसिडिटी का पेशेंट हमारे पास आता है, ब्लॉटिंग कंडीशन का पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम ये देखते हैं कि इसका कहीं ना कहीं जीआईटी डिसऑर्डर्ड है, जीआईटी इस तरीके से ख़राब है कि ये खा तो रहा है बट बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, यानी कि लैक ऑफ पावर ऑफ एसिमिलेशन देखने को मिलता है। एसिडिटी वहीं और गैस फॉर्मेशन वहीं होता है जहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी को भी नहीं लगेगा, तो बॉडी को पता भी नहीं चलेगा और वो खाना जो है वो सड़ने लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी की कंप्लेंट्स आती हैं। तो यहाँ पर है लैक ऑफ पावर ऑफ एसिमिलेशन, तो अगर उसकी बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कुछ खाने को आया है तो दे ऑलवेज ईट समथिंग, हमेशा वो कुछ ना कुछ खाएंगे। तो ब्लॉटिंग की कंडीशन भी कवर हो गई। अब हर इम्पॉर्टेंट जो भी मेडिसिन पढ़ते हैं हम या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना कि किस चीज़ की क्रेविंग है। यहाँ पर हम देखें कि क्रेविंग जो है वो फ्राइड हाईली सीजन फूड, मीट एंड ग्रीसी थिंग्स, इनकी क्रेविंग है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रेविंग मीट की किस में होती है, क्रेविंग फॉर मीट इज़ इन सोरिक मियाज़म, और फ्राइड फूड, तला हुआ खाना चाहिए, हाईली सीजन फूड, चटपटा खाना चाहिए। तो तला हुआ, चटपटा हुआ, चटपटा खाना, ये सारी चीज़ें जो है ये सोरा कवर करता है। क्रेविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज़ अ वर्टाइगो। अब चक्कर आ रहे हैं किसी को तो चलने से चक्कर आते हैं है ना, वर्टाइगो एग्रावेटेड वॉकिंग, यानी कि कई मरीज़ ऐसे बोलते हैं कि जब चलते हैं तो चक्कर आते हैं और लेटने से आराम मिल जाता है। एमलाइरेटेड लाइंग डाउन, कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि बैठ के उठने से चक्कर आते हैं। तो हर जो मियाज़म है उसकी अलग अलग कंडीशन होती है और उसकी अलग अलग मेडिसिन हो जाती है। तो वर्टाइगो भी एक अलग ही है जो आपको पता होना चाहिए, और ये मैं जब साइकोटिक और सिफिलिटिक आपसे डिस्कस करूँगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्टाइगो भी
अलग है हर्मी आज़म का, और हेडेक भी अलग है हर्मी आज़म का, जिसके मोडेलिटीज़ अलग अलग हैं। यहाँ पे मोडेलिटी है एग्रावेटेड बाय वॉकिंग एंड एम्लायरेटेड बाय लाइंग डाउन। अब हम बात करते हैं इसके हेडेक की, तो हेडेक जो है दैट इज़ फ्रंटल, टेम्पोरल और पराइटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेडेक हो कहाँ रहा है। अगर हेडेक फ्रंटल रीजन में है, टेम्पोरल रीजन में है और पराइटल रीजन में है, तो वो सोरिक मियाज़म का हेडेक है। अब इसके मोडेलिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेडेक की। मोडेलिटीज़ हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ कई लोग होते हैं जिनको सुबह सरदर्द शुरू होता है, फिर जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे उनका सरदर्द भी बढ़ने लग जाता है, फिर जब सनसेट का टाइम आता है तो सरदर्द भी डिक्लाइन करने लग जाता है। तो इसका, इनका जो सरदर्द होता है वो मॉर्निंग में शुरू हुआ, इंक्रीजेस टिल द सनसेट, यानी कि इंक्रीजेस ग्रेजुअली व्हेन द सन रीचेज इट्स पीक एंड डिक्लाइन व्हेन द सन सेट्स। तो सन गोज़ डाउन पे इनको एम्लायरेशन मिल जाता है, यानी कि पीक पर जब तक सन जाता रहेगा तब तक इनका सरदर्द भी बढ़ता रहेगा। तो ये सोरिक मियाज़म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेडेक की, जो हमें पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सोरिक मियाज़म की कि इनको आराम मिलता है फ्रॉम द डिस्चार्जेस, बट वो जो डिस्चार्ज होते हैं वो एबनॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि डायरिया हो गया और स्वेटिंग हो गई, तो ये जो डिस्चार्जेस हैं इन डिस्चार्जेस से इनको आराम मिल जाता है। लेकिन वहीं जो साइकोटिक मियाज़म है उनको एबनॉर्मल डिस्चार्ज से आराम मिलता है। तो वो किस तरीके से मिलता है वो मैं आपको जब साइकोटिक मियाज़म आपसे डिस्कस करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हेडेक की बात हो गई और डिस्चार्जेस की बात हो गई। अब इनकी मोडेलिटीज़ ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी कंप्लेंट्स हैं वो गर्म से आराम मिलता है और कोल्ड से एग्रवेशन हो जाता है। नाउ आई विल डिस्कस मेंटल सिम्टम्स विद यू। तो मेंटल सिम्टम्स सोरिक मियाज़म के पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सोरा के पेशेंट्स होते हैं दे आर वेरी मच एक्टिव, दे आर क्विक एंड अलर्ट, एक्टिव अलर्ट एंड क्विक, बहुत ही एक्टिवनेस शो करते हैं। ओके लेकिन क्या होता है, जिन लोगों को बहुत जल्दी काम करने की आदत होती है या फिर एक्टिवनेस शो करते हैं वही सबसे जल्दी थकते हैं, है ना। तो थकान जो है मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, बट दे आर बोथ स्फेयर्स, जो मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से ये थक जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है काम जो है करना चाहिए बट आराम से करना चाहिए, ताकि आपको थकान भी नहीं हो और काम भी पूरा हो जाए। बट सोरा के मरीज़ जो हैं जल्दी जल्दी काम करेंगे, दे आर वेरी मच एक्टिव एंड बोथ फिजिकली एंड मेंटली दे आर फैटीग आउट, इतना थक जाते हैं, भयंकर थकान हो जाती है, देर इज़ अ प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा थकान। ठीक है, उस थकान की वजह से क्या होता है, इनको लेटने का मन करता है, दे डिज़ायर लाई डाउन, कि बस अब लेट जाएं। ठीक है, जो मरीज़ काम करते हुए या फिर जो इंसान, पेशेंट कुछ भी कह सकते हैं हम, जो काम करते हुए थक जाते हैं, फिर क्या करते हैं, दे ड्रैड टू अंडरटेक एनी थिंग दैट रिक्वायर्ड मेंटल फिजिकल एग्जर्शन, वो उस काम से बचना शुरू कर देते हैं, या फिर वो कोई नया काम करना नहीं चाहते, या काम से उनको एकदम से डर लगने लग जाता है कि वो काम जिसमें मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन हो भाई उससे दूर ही रहो, ये इनकी मेंटल कंडीशन डेवलप हो जाती है। दे ड्रेड टू अंडरटेक एनी थिंग दैट रिक्वायर मेंटल एंड फिजिकल एग्जर्शन, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें मेंटल फिजिकल एग्जर्शन रहे। तो ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दे आर एक्टिव अलर्ट एंड क्विक एंड ईजीली फैटीग, प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन एंड फैटीग कॉज लाई डाउन एंड ड्रेड टू अंडरटेक एनी थिंग दैट रिक्वायर मेंटल एंड फिजिकल एग्जर्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेंटल सिम्टम इज एंजाइटी, फियर ऑफ डार्क एंड स्ट्रेंजर्स, जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ खुद ही ऐसे आके बोल देता है कि मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है, हमेशा टेंशन चलती रहती है, मैं कुछ सोचता रहता हूँ। तो दे आर एंशियस, दे आर रेस्टलेस, दे आर वर्ड एंड द फियर इज़ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ देम। सो फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स
इज़ वेरी मोर प्रोमिनेंट प्रेजेंट इन द सोरिक मियाज़म। ये आपको पता होना चाहिए कि फियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोरा को जानने के लिए। इसीलिए हम पूछते हैं कि किसी चीज़ से डर तो नहीं लगता, जैसे एकोनाइट है, देर इज़ अ फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है, फियर टू क्रॉस द स्ट्रीट, ये एकोनाइट में मिलता है। तो ये हमको दवाइयाँ निकालने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, इसीलिए हमको हर चीज़ को लिंक करके पढ़ना चाहिए एक दूसरे से। अब यहाँ पे आप देखो, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन अपॉन देयर वर्क, मतलब काम में कंसंट्रेशन भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्या होगा उसमें एग्जर्शन लगेगा, मेंटल एग्जर्शन, बट ये तो थके हुए हैं, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही सारी एनर्जी वेस्ट कर दी तो बाद के लिए तो कुछ एनर्जी बची ही नहीं। तो देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन अपॉन देयर वर्क एंड देयर थाट्स कीप चेंजिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। इनके जो थाट्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, इट ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर, थाट्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द सोरिक मियाज़म। रेस्टलेस फिट्स ऑफ एंगर। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो भी मरीज़ ज़्यादा सोचता है, या फिर जो भी इंसान ज़्यादा सोचता है, एक्टिव अलर्ट क्विक होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे आर फैटीग वेरी मच। अब उनको ऐसा लगता है कि मैंने काम कर दिया, उसके बाद इतना जल्दी कर दिया, और कोई दूसरा उनको धीमे काम करते हुए दिख जाएगा तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये काम तो इतना जल्दी हो सकता था, तूने इतना लेट क्यों किया है, इतना धीरे क्यों किया। तो दे कंटिन्यूसली ब्रेक्स आउट इन टू द एंगर, जिनका एकदम से गुस्सा फूट जाता है। तो दैट इज़ अ सोरिक मियाज़म, कि अगर मैं परफेक्ट हूँ तो मेरे को सामने वाला भी परफेक्ट ही चाहिए, मैंने काम जल्दी कर दिया तो उसको भी जल्दी ही करना चाहिए, वो अपना टाइम क्यों ले रहा है। अरे हो सकता है उसके कोई दूसरा मियाज़म हो, ठीक है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। अब दे ऑल्सो सडनली बर्स्ट आउट क्राइंग, एकदम से रोने लग जाते हैं। दे आर मेनी पर्सनैलिटीज आई हैव ऑल्सो सीन दैट सडनली बर्स्ट आउट क्राइंग, एकदम से रोने लग जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द सोरिक मियाज़म दैट यू नीड टू रिमेंबर इज इट्स डिस्चार्जेस द टेम्लाइट्स। मरीज में क्या होता है कि जैसे डिस्चार्ज होगा, अब डिस्चार्ज हम देखें, नॉर्मल जो एलिमिनेटिव डिस्चार्ज हैं बॉडी के वो हैं पर्सपायरेशन, किसी को पसीने आते हैं, यूरिनेशन, यूरिन पास करेगा, या फिर थर्ड हम देखें डायरिया। तो ये जो चीज़ें हैं, दस्त लग गए, तो ये नॉर्मल एलिमिनेटिव डिस्चार्जेस हैं। तो नॉर्मल एलिमिनेटिव डिस्चार्जेस से जिसको आराम मिल रहा है वो सोरिक मियाज़म है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल एलिमिनेटिंग डिस्चार्जेस से आराम नहीं मिल रहा, एबनॉर्मल से मिल रहा है, दैट इज़ द डिफरेंट मियाज़म, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस दिस ऑल्सो व्हेन आई कवर दैट मियाज़म। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द सोरिक मियाज़म। सोरा में आपको पता है कि सबसे पहले इरप्शंस होते हैं बॉडी के ऊपर, इरप्शंस होते हैं दैट आर सप्रेस्ड बाय दी एज वी कैन से ऑइंटमेंट, द इरप्शंस आर सप्रेस्ड बाय द ऑइंटमेंट एंड इट गेट्स इनटू द लेटेंट सोरा, एंड व्हेन एनीथिंग एक्साइटेड, एक्साइटिंग कॉज एक्साइटेड, इट ब्रेक्स इनटू द सोरिक मैनिफेस्टेशंस। So the soric manifestations are those that I have discussed with you in the video. So that's all for the today's video. I hope आपको पसंद आया होगा, पूरा सोरा मैंने आपसे डिस्कस किया है। अगर आपने ये ध्यान से सुन भी लिए ना सिम्टम, तो आप अपनी सराउंडिंग में लोगों को देखकर पता भी कर सकते हो कि हाँ ये सोरिक मियाज़म का है, ठीक है, आप ये बिल्कुल पता कर सकते हो। और इन सिम्टम्स को पढ़ने के बाद आपको पक्का आप नोटिस करोगे अपने आसपास सराउंडिंग में कि हाँ यार ये सोरा का है, ठीक है। ये जो मैंने आपसे सोरा डिस्कस किया है, फिर से मैं बता रही हूँ, ये मैंने आपसे डजन से और कैंट है और एच ए रॉबर्ट्स है, उसमें से आपसे मैंने इस मियाज़म को डिस्कस किया है पूरा। आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, जो स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं उनको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, और जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैंने काफ़ी अच्छे हद तक एक इन्फॉर्मेशन इस मियाज़म की प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आपको जानना है व्हाट इज़ मियाज़म, तो आप
डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे जाके आप मियाज़म क्या है वो जान सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम बैक.